मैं माता वीडियो उगड़े बाद मुंडो तो मत उगाड़ो मत उगाड़ो मत उगाड़ो वीडियो बना के भेजू ये चोरी को भी ले जो अभी भेज देंगे दूसरा व्यक्ति बना रहा है भाई ओह ठीक है कौन सी नंबर है सर आपकी मुझे बता दो एक मिनट इसी नंबर पे डाल देना ठीक है सर डाल दूंगा डाल इसी नंबर राजस्थान पत्रिका को फोन आयो जो कह बना साहब फोन आ गयो तो वीडियो बना के भेजो तुरंत मेरे पास अरे सॉरी को मिलो फोटो वो बना लगा नहीं वो डाल लगा है अब तो आज हाँ डॉक्टर साहब क्या मामला है ये एक बेसिकली गर्भवती महिला है जो फुल टर्म प्रेग्नेंट थी उसको प्रसव के लिए खेड़ा रुद्दा पीएससी पर लाया गया था और इसको ये बेसिकली अंदर ही थी इसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था तो नर्स के आने का इंतजार था दर्द ज़्यादा होने की वजह से चिकित्साकर्मी ज़्यादा सचेत नहीं था तो उसने जो है इसको बोला भाई अगर दर्द ज़्यादा आ रहे हैं तो आपको रेफर कर देते हैं 108 बुला ली गई थी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी तो अब ये प्रसूता उसके परिजन जो है साथ में दाई थी काफ़ी ट्रेंड थी वो इसको लेके बाहर आ गए और बाहर लाते ही जो है प्रसव हो गया पेड़ के नीचे जो कि काफ़ी गंभीर विषय है और इस तरह का जो है मामला चिकित्सा विभाग में जो है स्वीकार्य नहीं है तो डिलीवरी बेसिकली अस्पताल के अंदर ही होना चाहिए थी तो उसके तुरंत बाद डिलीवरी के तुरंत बाद ही नर्स हमारी जो है सिस्टर वो वहाँ आ गई और उन्होंने प्रसूता महिला को वापस अंदर लिया और बाकी बची हुई जो डिलीवरी की प्रक्रिया है वो पूर्ण करवाई बच्चा भी सुरक्षित है और जच्चा भी सुरक्षित है और इसमें जो भी ग्रामीण लोगों का जो होश है वो वाजिब है और हम लोग जो है नर्सिंग कर्मचारियों के स्पष्टीकरण मांग रहे हैं और मांग लिए बल्कि और चिकित्सक जो उस वक्त डॉक्टर सुरेश परिवार उनको वहाँ होना चाहिए था वो बिना किसी सूचना के बिना किसी पूर्व अनुमति के वहाँ पर नहीं मिले अगर वो होते तो मामला इतना गंभीर नहीं होता उसको सुलझा लिया जाता तो हम चिकित्सा के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और भविष्य में हम लोग ऐसी वो व्यवस्था करेंगे ताकि ग्रामीण वासियों को और गर्भवती महिलाओं को पूरी से पूरी सुविधा मिले और अस्पताल के अंदर प्रसव की सुविधा मिले हमने चिकित्सा कर्मियों को यह भी आदेश दे दिए कि अगर ऐसी अवस्था आ जाए जिसमें अगर महिला कर्मी नहीं हो तो पुरुष कर्मी भी नर्सिंग कर्मी भी जो है डिलीवरी कराने में सक्षम है और इवन दाई भी करा सकती है ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ कि वो डिलीवरी नहीं करवाएगी ये हमने उनको समझाया है भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो इसके हम लोगों ने पुख्ता इंतजाम कर दिए।